साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसके पहले पार्ट में हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को पढ़ा था, अब हम उसके आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको जी प्रोटीन्स के बारे में बता दिया है, जो कि हमने जो पहला पार्ट किया उसमें हमने ये देखा कि बेसिकली जो वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो रहा था वो साइक्लिक एएमपी था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जी प्रोटीन जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो फॉस्फोलिपिड को एक्टिव करके काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है, बेसिकली हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर जो एंजाइम एक्टिव होता है, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, जो कि आपका फॉस्फोलाइपेज सी फैमिली में आता है। बेसिकली ये करता क्या है, ये आपके मेम्ब्रेन पर एक मॉलिक्यूल होता है जो फॉस्फोआइनोसाइटिडिन फैमिली का होता है, जो कि आपका PIP2 होता है। आप इसके नाम को मेमोराइज रखेंगे, फॉस्फोटिडिल आइनोसाइटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट होता है। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं जहाँ पे इसका नाम पूछेंगे या मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको दिख दिया जाएगा, तो 4,5 पोजीशन आप फॉस्फेट का याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। बेसिकली अब हम इसको फिगर से देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि होता क्या है कि बेसिकली आपका ये जो मॉलिक्यूल होता है PIP2, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका लिपिड की बाइलेयर से अटैच है। इस पर जो एंजाइम काम करेगा ये आपका फॉस्फोलाइपेज सी काम करता है, राइट। फॉस्फोलाइपेज सी जैसे ही एक्टिव होता है ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट जो होता है वो आपका डाइसाइल ग्लिसरॉल होता है, जिसको डैग बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये आपकी प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव करेगा, राइट। इसके पहले जो आपने अभी देखा है वहाँ पे, जब साइक्लिक एएमपी के केस में आप देख रहे थे, तो वहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए था। मैं आपको रिकॉल करा दूँ, जो प्रोटीन काइनेज ए था उसकी दो रेगुलेटरी सब यूनिट थी और दो कैटालिटिक सब यूनिट थी। आप उस बात को याद रखेंगे और उसको मेमोराइज करने के लिए आप ए से ए को कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब साइक्लिक एएमपी वहाँ पर था तो वहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पर क्या है प्रोटीन काइनेज सी एक्टिव हो रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपका IP3 होता है, आइनोसाइटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे, नॉमेनक्लेचर को भी ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये कैल्शियम चैनल को ओपन करता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस बात को जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम का रिजर्वायर माना जाता है। अगर आप ऑर्गेनेल में बात करते हैं तो उस ऑर्गेनेल से कैल्शियम को रिलीज किया जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिसेंट में DBT JRF 2022 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि बेसिकली IP3 का क्या रोल होता है। तो IP3 जो होता है वो आपका कैल्शियम के चैनल को एक्टिव करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसको फर्दर फिगर में यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि आपका सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड किया, राइट, समझ में आ रहा है। सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया, जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। जी प्रोटीन एक्टिव कैसे हुआ, इस बात को हम रिकॉल कर लेते हैं। कैसे रिकॉल करेंगे, जी प्रोटीन आपका क्या है, आपका ट्राइमेरिक प्रोटीन है। ट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसमें अल्फा बीटा गामा सब यूनिट थी। जब ये इनएक्टिव स्टेज में था तब ये GDP से बाउंड होगा, जैसे ही ये एक्टिवेटेड कंडीशन में आता है ये GTP से बाउंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होता है, चूंकि ये फॉस्फोलाइपेज के तहत काम करेगा तो जैसे ही ये एक्टिव होगा ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अब ये एंजाइम जैसे ही एक्टिव होगा ये आपके मेम्ब्रेन पर लगे हुए PIP2 को क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा। डिसोसिएट करने पर डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो कि मेम्ब्रेन पर ही लगा रह जाएगा, जो कि फर्दर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव करेगा। अब क्या होता है, ये जो आपका IP3 होता है ये आपका मॉलिक्यूल जो होता है वो ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है, और जाने के बाद क्या करता है, कैल्शियम का रिलीज करता है, जिससे ओपन कैल्शियम के चैनल्स को ओपन कर देता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस फिगर से आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। एंड फर्दर आपको ये बातें और मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, इसमें जो और चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कैल्शियम फंक्शन एज ए यूबीक्विटस इंट्रासेलुलर मीडिएटर का काम करता है। तो कैल्शियम जो होता है, यहाँ पे आप कैल्शियम पंप की स्टोरी आ रही है, लेकिन मैं आपको फर्दर जो एक पार्ट में बनाऊंगा वहाँ पे मैं कैल्शियम पंप का
चैप्टर आपको मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा। बस आप यहाँ पे इतना जानिए कि ये एक्टिव कैसे होता है। तो कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो आप याद रखेंगे, कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो साइटोसॉल में बहुत कम होती है और एक्स्ट्रा सोलर फ्लूड में ज्यादा होती है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो मसल्स में स्पेसिफिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम उसमें बहुत होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लार्ज ग्रेडियंट क्रिएट होता है, राइट, जिससे कैल्शियम जो होता है वो साइटोसॉल से क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है या ईआर में जाता है, और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम पंप होते हैं। तो बट अभी आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम जो होते हैं, तो ऐसे जो रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे बस आप इतना जान लीजिए कि कैल्शियम के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम रायनोडीन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे प्लांट एल्केलाइड होता है जो इसका रायनोडाइन से सेंसिटिव होता है, राइट। ईआर मेम्ब्रेन में एक सेकेंड टाइप का कैल्शियम चैनल होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि रायनोडाइन रिसेप्टर्स किससे रिलेशन है, किस आयन से रिलेशन है, आपको फोर ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, तो आपको याद रखना होगा कैल्शियम से रिलेशन है, राइट। अब इसके बाद ये फर्दर क्या प्रोसेस करता है, ये प्रोटॉन पंप या कैल्शियम पंप की स्टोरी है जो मैं आपको वहां पे आने पे आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम यहाँ पे फर्दर चीजों को, आपको एक चीज यहाँ पे जो और बताया हुआ है कि कैल्शियम का क्या क्या रोल होता है। तो अगर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज में जो रोल होता है यहाँ पे बहुत ही क्लियर इमेज के तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए एग बाई स्पर्म ट्रिगर अ वेव ऑफ ए साइटोसोलिक कैल्शियम। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपको ये बातें तो मतलब पता ही होगी कि जो आपका एक ओवा से जो स्पर्म फर्टिलाइज करता है वो केवल एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, जो स्पर्म होता है वो मैनी मिलियंस के फॉर्म में रिलीज होते हैं बट केवल एक फर्टिलाइज करता है, राइट। अब इस जो ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी है कि केवल एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो इस बात की सियोरिटी के लिए कि बाकी दूसरा कोई स्पर्म साइमल्टेनियसली आके ना बाइंड कर जाए, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके लिए क्या होता है कि इस चीज को बोलते हैं पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना। अगर बहुत सारे स्पर्म ब्लॉक कर जाएंगे तो पॉली मतलब बहुत और स्पर्मी मतलब स्पर्म। तो इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए क्या होता है, दो प्रोसेस होती है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे या मैं आगे लेक्चर्स अपडेट करूंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, बट आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनकर नोट डाउन कर लीजिए कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए जो पहला स्टेप होता है उस स्टेप में क्या होता है कि सोडियम के चैनल को ओपन कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को फास्ट स्टेप ऑफ पॉली स्पर्मी बोलते हैं, राइट। और जो स्लो स्टेप होता है या धीरे धीरे स्टेप कह सकते हैं, आप सेकेंड स्टेप कह सकते हैं, उस केस में क्या होता है कि कैल्शियम का चैनल ओपन होता है, जिससे क्या होता है, आपने यहाँ पे ये फिगर उन्हें दिखाया है किस तरीके से जो रेड डॉटेड है ये कैल्शियम्स है, कैसे कैसे यहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, जिससे एक ऐसा स्टेज क्रिएट होता है जिससे वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म को, ताकि वो फर्दर फर्टिलाइज ना कर सके। तो इस बात को आप याद रखेंगे, बाकी बहुत सारी कैल्शियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो भी आप याद रखेंगे। बेसिकली कैल्शियम जो होता है वो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एंजाइम्स का को फैक्टर होता है, और तो इन सब चीज़ों में कैल्शियम का बहुत रोल है। तो इस तरीके से यहाँ तक ये वीडियो आपका, मैंने यहाँ तक आपका जीपीसीआर के कुछ पार्ट्स, मैंने एक और पार्ट कंप्लीट कर दिया है, बाकी रिमेनिंग चीज़ों को हम और आगे कवर करेंगे। बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।